ऑफ द रिकॉर्ड अभी बात हो रही थी कि भाई अब तो घर यहाँ हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, टॉयलेट भी करना इधर ही आना अगर पानी नहीं है घर में तो। दिस इज हाउ इन विंटर वी डू ब्लॉगिंग, क्योंकि कांपते हुए आवाज़ में तो शूट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं दिल्ली में हूँ, वार्म अप कर रहा था ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले। तो एज यूजुअल दिल्ली है, ठंडी बहुत है, दिसंबर है, 25 दिसंबर है और फेस्टिवल है, क्रिसमस है। अभी जाने का प्रोग्राम हो रहा है, देखते हैं कहाँ जाने का प्रोग्राम होगा। कुछ दोस्त हैं उनको फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके देखते हैं, उनको बताया नहीं है कि दिल्ली आया हुआ हूँ, तो फ़ोन लगाते हैं। फाइनली संदीप को दोबारा फ़ोन किया, संदीप अवेलेबल है तो अभी सेक्टर 8 द्वारका, शाम के 4:30 हैं, जाते हैं मिलते हैं। उसने बोला कुछ मॉल, नए मॉल का इनॉग्रेशन हुआ है तो विकास के साथ में, विकास है जो पहले बॉम्बे था, बॉम्बे ऑफिस में हम लोग साथ में काम करते थे, तो अभी ये दिल्ली शिफ्ट कर गया है। होपफुली उम्मीद करते हैं कि विकास आओ, फर्स्ट टाइम ही आया है ब्लॉग में। हेलो, हेलो टू आवर ऑल यूट्यूब फैमिली, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर सर्स चैनल। चलिए अभी चलते हैं, संदीप से मिलते हैं और आप लोगों को मिलाते हैं उससे। मैं हर ऑलमोस्ट पोल्यूशन को लेके थोड़ा कंसर्न हूँ और हर मैसेज में, हर ब्लॉग में कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा तो हो जाए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज हमें पता है, आज ये हाल है क्योंकि हम धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ों को, पोल्यूशन को देख रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वो पता नहीं चल रहा है, बट लेकिन एक टाइम आएगा आने वाले टाइम पे, हम तो एडजस्ट कर रहे हैं लेकिन आने वाले जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है आने वाले टाइम पे। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को, पेड़ लगाएं, पोल्यूशन कम करें, सिंगल यूज प्लास्टिक कम यूज़ करें। मैंने कहा था आप यूज़ नहीं करो, मैं भी यूज़ करता हूँ बट लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ या बहुत कम करने की कोशिश करता हूँ। तो वही रहेगा, द्वारका जा रहे हैं। सो अभी द्वारका ये दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ कि पीछे से मेट्रो ट्रेन आ रही है, कवर हो जाए। कुछ तो हर बार नया होना चाहिए, तो शायद अभी आवाज़ ऐसी आ रही है कि नज़दीक आ चुकी है। लेट्स सी, ये तब तो सी। चलिए मिलते हैं आप, देखते हैं। ये आ गया संदीप, कैसा भाई? मैरी क्रिसमस। बड़ा चिकना हो गया भाई, तू क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं, जैकेट भी बड़ा चल गया है तुम्हें, तू भी ले ले। संदीप हाय। मेरे तुम भी देखते हो कि नहीं साले, पहले बताओ। हाँ देखते हैं ना, कुछ बताएंगे ना तुम्हारे अच्छा के बारे में। अच्छा, फीडबैक देगा बराबर, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़वाया है। बढ़वाया है इनकी तरह, बढ़वाया है। ठीक है, चलो क्रिसमस से मिलते हैं। अभी आगे थोड़ा सिनेमैटिक शॉट लेते हैं आपको दिखाने के लिए, और कुछ खाते पीते जरा एंजॉय करते हैं। गाइस आप एंजॉय करो वीडियो को और प्लीज इनका सब्सक्राइबर बढ़ाओ। ठीक है, मैं नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, आप बढ़ाओ। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शेयर, कमेंट शेयर। कैसे पता चलेगा? चला, आप चालू है, 3 हो गया भाई। ना कोई मित्र नहीं भाई, हमारा मॉल के बारे में बताएगा ये, इस पे खासियत क्या है, इस मॉल में आप
क्यों आएंगे, ये क्यों फेमस होने वाला है, क्योंकि अभी तो लॉन्च हुआ भाई, लॉन्च कब हुआ ये आइडिया? ये इसलिए इसको पता है क्योंकि इसके पीछे जो है ना इसका घर है, वॉकिंग है। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड अभी बात हो रही थी कि भाई अब तो घर यहाँ हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, टॉयलेट भी करना इधर ही आना अगर पानी नहीं है घर में तो, वॉकिंग है, आयो तो आयो अभी है तो ऐसे ढीठ दोस्त होने चाहिए लाइफ में। चलिए लाइफ का मजा इसी में है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था ठीक है मित्रों कि यहाँ पे ये वन ऑफ द काइंड है ये दिल्ली का मॉल, क्योंकि इसमें 12 स्क्रीन के साथ पीवीआर का ठीक है दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा थिएटर है। दूसरी बात, ये वन ऑफ इट्स काइंड इसलिए है कि आप जो सामने देख रहे हैं ये ऑफिस एरिया है, इसके बगल में 5-star होटल खुल रहा है ठीक है, तो ये वन ऑफ इट्स काइंड, और एक स्टूडियो अपार्टमेंट भी खुल रहा है इसमें, जैसे ऑफिस के लिए लोग आते हैं बाहर की हॉलीडे के लिए ना या काम करने, उनके लिए पूरा एक सेट रहता है स्टूडियो अपार्टमेंट, आप लोग जानते होंगे, तो ये भी आपके इसके पीछे है। और चूंकि ये द्वारका है और द्वारका का सबसे बड़ा ये मॉल है और द्वारका का पहला मॉल है सबर्ब का, तो आप यहाँ ज़रूर आइए दिल्ली में द्वारका में सेक्टर 14 में, बिल्कुल एकदम मेट्रो के पास है, कन्वीनियंट है, वॉकिंग है बिल्कुल एकदम, और आइए और इन्जॉय कीजिए। और थैंक यू, और अगर टॉयलेट लगे तो ज़रूर आइए, अवश्य आइए। बाकी ये टिप्स है कि अगर आपके घर के इर्द गिर्द चाहे कहीं भी अगर हो तो, अगर आप मॉल हो तो आप उसका भरपूर तरीके से कर सकते हैं, भरपूर तरीके से यूज़ कीजिए। तो उसी के साथ में अभी भाई ने अच्छा अच्छा टिप्स दिया, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे उपयोग करना है। बैग ले जाइए, उसमें गमछा रखिए ठीक है, या तौलिया रखिए, शैम्पू भी रखिए, साबुन भी रखिए, अंदर जाइए, नहाइए धोइए, फ्रेश होइए, बैग गमछे को वापस बैग में डालिए, फिर आ जाइए। अच्छा, मॉल वाले नहीं देखेंगे ना तो इसको बैग आउट कर देंगे, इधर जो है ना अलाउड ही नहीं करेंगे। जितने भी रेस्टोरेंट हैं अगर ऑर्डर देता तो ऑर्डर देने में आधा घंटा लगता, कम से कम आधा घंटा 35 मिनट, और ऑर्डर आने में आधा घंटा लगता, मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए 1 घंटा ऑर्डर प्रोसेस में जाना। तो हमने टोटल काउंटर पे ये चेक किया कि कहाँ कम सबसे कम भीड़ है, तो टेको एक्सपेरिमेंट है, कभी खाया गया टेको में? मैंने भी दिखाया है भाई, आपने खाया गया? दिखाया है, हम तीनों ने टेको बेल नहीं खाया है, लेकिन आज भीड़ से बचने के लिए स्नैक्स लिया टेकोबेल से। लेट्स गिव इट अ ट्राई, कैसा है? ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है कॉस्टली बट, लेकिन ठीक है ट्राई करते हैं। कॉस्टली नहीं, 400 है, ठीक है, ये महंगा है, 150 महंगा, ट्राई करते हैं, तब तक आप मॉल देखिए। इसका फीडबैक दीजिए, इसका फीडबैक दो भाई। गाइस, मैं चॉकलेट शेक पी रहा हूँ,
को मिलते हैं, कीमत 149 रुपये है, बट बिलीव मी दिस वन इज़ रियली रियली नाइस, वर्थ इट, बहुत ही बेहतरीन उमदा। टैको बोलते हैं इसको, ये टैको है, टैको मैंने डोमिनोज का खाया था, दिस इज़ सुपर। इसके बीच में अगर आप देखेंगे ना, फ्राई के बीच में नॉनवेज है, तो ये पूरा बीच में प्रॉपर कोई लेयर है जो फ्राई किया हुआ है, बाकी सलाद है, तो यमी है, फ्राइज है, टेस्टी है। रोल कैसे बताओ, निकाल दी बताइए, रोल भी एकदम परफेक्ट है फ्रॉम टैको बेल, वी ट्राइड फर्स्ट टाइम बट इट्स वेरी गुड। और शेक का एक खास बात बता दूँ, ये इतना गाढ़ा है, ठीक है, और दूसरी बात है कि इतने बर्फ ना के बराबर है, आप शेक पियेंगे तो उसमें बर्फ के जो ये होते हैं डेंसिटी होती है वो लोग बहुत डालते हैं, जिसकी वजह से अच्छा नहीं लगता, लेकिन दिस वन इज रियली थिक, यू नीड ए स्पून, आपको चम्मच से पीना खाना पड़ेगा, पीना नहीं पड़ेगा। हम लोग खा रहे थे, फिर हमें रियलाइज हुआ इट इज़ बेस्ट। अब अगर आप कंपेयर करेंगे बिग बर्गर से, बिग बर्गर के सामने और मैकडी है, पिज़्ज़ा है, डोमिनोज, अगर वहाँ आप खाते हो जाके, तो वंस यू ट्राई दिस ऑल्सो यू विल नॉट रिग्रेट, बहुत यमी है। एंड दिस इज टफ कंपनी, यू कैन से विल बी गिविंग कॉम्पिटिशन टू दिस ब्रांड, तो होप करते हैं कि आगे ये क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे और हम ऐसे ही आप लोगों को बताएंगे कौन सा बेस्ट रिव्यू रहेगा खाने को। चलिए आज के ब्लॉग को यही क्लोज करते हैं, खाते खाते हेल्दी खाने के साथ में, हेल्दी तो नहीं है लेकिन ठीक है, कंपेयर टू नाक पे भी लग रहा है इतना कहा है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, हम लोग वेगास में हैं, लास वेगास में नहीं है, वेगास नॉर्थ में, द्वारका सेक्टर 14, तो ज़रूर यहाँ विजिट कीजिए, अगर बॉम्बे में है, सॉरी अगर आप दिल्ली में हैं तो ज़रूर विजिट कीजिए, टैको बेल फूड कोर्ट में ज़रूर आके खाइए जो हमने ऑर्डर किया है, या कहीं भी हो टैको बेल आपको दिखे तो एक बार ट्राई कीजिए, चॉकलेट शेक वाकई बहुत अच्छा है। और दोस्त मेरी क्रिसमस तो बोलना भूल ही गए, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वीकेंड, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, बाय फॉर द डे। मैं सोचा एक बार टैको बेल के साथ में शूट कर लूँ ताकि याद रहे, आप अगर इधर आते हो कभी भी तो प्लीज़ आए तो डू विजिट टू टैको बेल, बहुत टेस्टी और डिलीशियस फूड है एंड चीपर रेट में भी है।